भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन किए केंद्र चौधरी और श्रुति चौधरी ने, ये बहुत लंबे समय से इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि उन्होंने पिछले राज्यसभा के चुनाव में जिस तरह की मतदान के अंदर हिस्सा लिया था और उसके बाद से चर्चाएं शुरू थी और हम एक वोट से हार गए थे। उन्होंने खुद एडमिट किया था कि मैं एक टिक मार्क किया और मैं आ गई, तो वो एक बात बड़ी निश्चित तौर पर थी कि इनका मन जो है ना निश्चित तौर पर बीजेपी की तरफ से मिला हुआ था। और आज मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लोग बड़े इस बात से एक तरह से महसूस कर रहे हैं कि वाकई में जो गलती हमने पहले की थी उसका निराकरण बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो आज हुआ है। और ये बात एक मिली भगत की राजनीति करने की, आज से नहीं, पिछले 14 से 19 से और अब 24 आ गया, तीनों चुनावों के अंदर इसी तरह की घटनाएं घटी है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को मुखालफत करके उनके चुनाव में उनकी विश्वास कराने का प्रयास करना और अपने तौर पे सिर्फ अपनी सीट को बचाने के लिए काम करना। हमारे 9 मतलब विधानसभा में से सिर्फ 2 सीटें थी हमारे पास, एक मेरी एक उनकी, और उन्होंने हमेशा भाजपा से मिली भगत करके काम किया। ये काम मैं समझता हूँ उन्होंने किया, वो पार्टी विरोधी था और मैंने कहा कि पार्टी के इस चुनाव के अंदर भी उन्होंने जो भी तरगात कर सकते थे वो उन्होंने किया। आदमी विपक्ष में कोई हो सामने लड़ सकता है, लेकिन भीतरघात करने वाले के लिए लड़ने के लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि कौन व्यक्ति है जो काम कर रहा है। अब वो चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, आम आदमी भी ये बात समझ चुका है। और मैं समझता हूँ भिवानी की राजनीति, भिवानी महेंद्र पार्लियामेंट की राजनीति एक तरह से नए सिरे से उभर करके आएगी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो फैसले लिए हैं आज तक बहुत मजबूत फैसले लिए हैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि उम्मीदवारों का चयन ठीक किया गया और उनकी परफॉर्मेंस देखिए, उनकी वोटिंग परसेंटेज देखिए, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि हकीकत में कांग्रेस को कौन आगे ले जाना चाहता है और कौन पीछे ले जाना चाहता था। आज खुद मुख्यमंत्री थे जो पहले अनुराग जी, आज केंद्र के मंत्री, उन्होंने खुद मानी ये बात कि उनका मन तो पहले से भारतीय जनता पार्टी का था। तो ये बात किसी कहने की जरूरत ही नहीं है कि किसकी मिली भगत थी, कौन मिली भगत कर रहा था। तो मैं समझता हूँ एक ऐसा फैसला है जिससे आम कांग्रेस जन इस बात से एक तरह से उत्साहित है कि कम से कम जो लोग डैमेज करते थे पार्टी को, आज उन्होंने स्वयं पार्टी छोड़ करके कांग्रेस की मजबूती के लिए एक रास्ता साफ कर दिया है।